करूं देख, बल्कि शायद इससे भी बड़ा इंट्रोडक्शन है मेरा। मैं शामीर सिकंदर की किसी भी सूरत में होने वाली बीवी हूं, तो इसीलिए आप मेरी बात गौर से सुनिएगा। और अगर फिर भी दिल ना माने तो बेशक बगावत करके देख लीजिएगा। मेरा कहा गया हर वो लफ्ज कितना सच बन के निकलेगा जो मैं अब आपसे कहने जा रही हूं। अब एरिन, बस थोड़ी देर में मैं शामिर को लेकर निकलने वाला हूं। आप बेफिक्र होके जाएं, शामिर वहां से नामुराद होकर ही वापस लौटेगा। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? फिलहाल ये बात मैं आपको बताना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि आप अभी भी थोड़ा सा डाउट में रहें, वरना आप ठीक से एक्टिंग नहीं कर पाएंगे। बहुत बदल गई मेरी। शायद वक्त या प्यार, दोनों की मार इंसान को बिल्कुल बदल देती है। पहले जैसा कुछ नहीं रहता दाऊद अंकल। एनीवेज ठीक है, देखने का सच होता है। सर आई एम रेडी। ओह नाइस, मैचिंग गुड। कैसा लग रहा हूं मैं? डिफरेंट। थैंक यू। चले गाड़ी चाबी दो। सर बाहर प्रोटोकॉल तैयार है सर। अरे नहीं भाई, सिक्योरिटी की जरूरत है, तुम्हारी गाड़ी में जाएंगे, मैं ड्राइव करूंगा। तो दो ना, तो बाहर वेट करूं आज। बस 5 मिनट और आ रहे हैं। इज ही ऑलराइट? जी ठीक है। हम काफी देर से वेट कर रहे हैं, मुझे लगा कि शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं बस आ रहे हैं। इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम वेट कर रहे हैं, मसला नहीं है। आप बैठ जाए। चाय? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, इजी। सफिया जी, मैं चाहता था कि आज की गुफ्तगू मैं माजत से शुरू करूँ। आप प्लीज कोई तकल्लुफ ना करें, हम इंतजार करें। मैं लेको आती हूँ। आती सुलेमान, क्या कर रहे हैं आप यहाँ बैठे हुए? आपको पता है ना शामी के घर वाले आए हैं बाहर। किसी को इंतजार करवाना अच्छी बात नहीं होती। चले हाँ सुखे, तुम चलो, मैं आ रहा। जल्दी आए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि शिब्रा के नसीब का फैसला करते हुए आप उसकी तरफ देखेंगे जरूर। उसे जीने देंगे मरने नहीं। आ जाए। क्या बात है, आज तो मुझे लगती नहीं चला रही हूँ, बिल्कुल इतना कर रही हूँ। तुम क्या कर रहे हो यहाँ गरीब आदमी? जाओ यहाँ से, किसी ने हमें देख लिया तो बुरा मानेंगे। अच्छा, और ये अच्छी बात है, वहाँ मेरे बाबा आए हैं, तुम उनको इग्नोर कर रहे हो। एक टाइम था तुम शेरनी हुआ करती थी, तब तक बिल्ली बन गई। मतलब ससुर बनने वाले से ही मिल रही। आपका मूड नहीं, ऐसे भी बहुत फिक्र हो रही है मुझे, पता नहीं बाबा का क्या रिएक्शन होगा। कुछ नहीं होगा, तुम बताए सुलेमान साहब ने फैमिली को ले लगाया, इसका मतलब समझते हो? दिल से कर लगाया।
ना करे ऐसा ही हो। ऐसे ही होगा, पता नहीं दिल घबरा रहा है। तुम्हारी सोच ही मेरा दिल कितना घबरा रहा है जी। ये देखो, हाथ लगाओ मेरा दिल की धड़कन, चेक करो कैसे धक धक कर रहा है, कैसे ब्रेक डांस कर रहा है, चेक करो। हाँ, तुम्हारे इन सस्ते मजाक सुनने का मूड नहीं है तो आदत डाल लो, क्योंकि मैंने कसम खाई है तुम्हें जिंदगी में मुस्कुराता हुआ देखने। और अगर 5 सेकंड में तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं कसम खा लूंगी तुम्हें जिंदगी भर लाने। ओ 5 सेकंड, ओ वो तो मेरे फेवरेट है। चलो स्टार्ट कर। इंतजार कर रहे हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका दाऊद अली खान साहब, आपने हमारे गरीब खाने में आके हमें इज्जत बख्शी। और जिस तरह आपने पुरानी बातें भुलाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है वो वाकई काबिल सताइश है। लेकिन मुझे बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि जो मुराद आप लेकर आए हैं वो मैं चाहकर भी पूरा नहीं कर सकूंगा। लेकिन सर मैं सलमान, अब ये बात हमारी नहीं है, ये बात हमारे बच्चों की जिंदगी की। अपनी बेटी की जिंदगी का सोचकर ही ये फैसला कर रहा हूं मैं। इसका रिश्ता ही नहीं, इसकी शादी की तारीख तय करने जा रहा हूं। अब आप बताइए क्या करूं मैं। भाई मेरे को लगा था थोड़ा सा किया, तो बता दे। हर वक्त होप थोड़ा 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 रह ही रहा है। होप तो इस दुनिया को है मैं। जहाँ पे लीस्ट प्रॉब्लम एक्सपेक्टेड थी ना, मतलब ये होगा कि मैं पॉलिटिशियन के घर नहीं दे सकता हूँ एक्सेट्रा, लेकिन तो उससे पहले से भी नहीं माने हुए थे। ओह गॉड, अभी शामिर के सामने उसके डैड गुड बॉय हो गए और इसके डैड खराब हो गए। ये प्लानिंग प्लॉटिंग अच्छी कर दी यार ये तो। नहीं बट शामिर को समझ तो जाएगा कुछ ना कुछ तो। अभी नहीं, आई थिंक ओवर ऐसे कोई बहुत ही क्लियरली सस्पिशियस बिहेवियर नहीं चल रहा है यहाँ पे। ये आने को मान गया और सब। ओहो, तो इतनी सुंदर दिखती है ना ये शिप्रा। लेकिन उसका प्लान अच्छा था, महरीन का काफी ज्यादा अच्छा था कि वो उसको पता वो हार्म भी नहीं करने वाली है, लेकिन वो धमका के वैसे ही सब कुछ साइलेंट कर सकती है। अच्छा खुद हो जाएगा फिर बाद में, ऑटोमेटिक सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। नहीं यार, अब दाऊद अली ये करेगा ड्रामे करेगा कि नहीं ये वो, अभी देखना वो लाइन हमारे बारे में नहीं, हमारे बच्चों के बारे में।
यहाँ से कॉम्प्लिकेटेड होते गया है होते जाएगा अभी तो होते ही जाएगा मेरे को लगता है अगले तीन एपिसोड तो फुल ऐसे ही गोल 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 अभी 25 होते रहेगा थर्टीएथ तक हो जाएगा एंड तक काइंड ऑफ लास्ट एपिसोड काफी सालों में होता है कि लास्ट एपिसोड का भी लास्ट पार्ट अच्छा है बाकी वहां तक ड्रामा चल रहा है उन लोग को सिर्फ ये दिखाना है कि सॉल्व हो गया और मान गए हैं शादी आदि ना भी दिखाया तब भी प्रॉब्लम हैप्पी एंडिंग है ना लेकिन क्योंकि लोगों ने जो कहा था कि इसका एंड बहुत बकवास है एंड बहुत बकवास लोगों को इसलिए क्योंकि ये स्टोरी थोड़ी खिंच गई थी और डायरेक्शन वाइज वो या वैसे वाइज वो लोगों को ये हो गया था कि वैसे आई एम अज्यूमिंग क्योंकि जितने कमेंट्स सब पढ़ रहे थे वो साउंड ऐसे कर रहा था ना अभी वाली स्टोरी तो फिर भी थोड़ी फ्लो में चल रही है इससे पहले जो बीच के एपिसोड थे वो तो एकदम ही रैंडम शॉट्स थे मतलब वो केमिस्ट्री दिखाने के चक्कर में कुछ चीजें बस यूं ही चल रही थी दिखता आगे क्या होता है हाँ यार पता नहीं लेट्स सी आई जस्ट होप सुलेमान साहब बता दे यार इस शामिर के सामने बता दे एटलीस्ट वरना उसको आइडिया लग जाना चाहिए कि कुछ तो घोची है उसको महरीन की इससे यार कैसे पता चलेगा वो भी एक बात है क्या हुआ मिलते हैं आगे से जहाँ से ओके गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टेक केयर टाटा बाय